जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी से कनेक्ट होते ही गुरु जी कैसे कैसे मिरेकल्स दिखाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें आंटी जी ने अपने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करे हैं, जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी मिरेकल्स कैसे करते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत प्यारे मैसेजेस भी मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे काफ़ी दिन से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू मेरी बात सुनती नहीं है, मैं तो बोलते बोलते थक गया हूँ कि शुक्राना कर। संगत जी, पता नहीं क्यों मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी सत्संग शेयर करने की, बट अब मेरे गुरुपा ने ये भी करवा दिया। आज मेरे प्यारे गुरु जी ने मुझे बहुत दिया है, मेरी लाइफ खुशियों से भर दी है और जीने का एक मकसद भी दे दिया है। संगत जी, गुरु जी से मेरा कनेक्शन फरवरी 2023 में हुआ और बस तब से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरु जी ने मुझे वो सब दिया जिसकी उम्मीद मैंने छोड़ दी थी। मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे बट मुझे बेबी नहीं हो रहा था। हमने डॉक्टर, हॉस्पिटल, मंदिर और मैंने कई फास्ट करके देख लिए थे बट मैं हार मान चुकी थी। हम लास्ट ईयर जनवरी में इंडिया गए इस उम्मीद से कि शायद वहाँ के डॉक्टर से मेरा इलाज हो पाएगा। मैं पहली बार फरवरी में अपने एक रिलेटिव्स के यहाँ गुरु जी के सत्संग में गई। तब मुझे कुछ नहीं पता था कि कौन से गुरु जी हैं, बस इतना पता था कि हम सत्संग में जा रहे हैं। गुरु जी ने मुझे बुलाया था शायद। सत्संग में गुरु जी के स्वरूप को देखते ही मेरे आंसू निकलने लगे और मैं पूरा टाइम बस रोती रही। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तेरे दुख अब खत्म होने वाले हैं। कोई अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था मुझे। बस फिर मैं अप्रैल में बड़े मंदिर गई और तब से मेरा कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग बन गया गुरुजी के साथ। उनकी ब्लेसिंग से मैंने कंसीव किया और दिसंबर 2023 में हमें बेबी बॉय हुआ। इस पूरे टाइम में गुरुजी रोज़ मुझे हौसला देते रहते थे, मुझसे टेलीपैथी के थ्रू बात करते थे, अपनी फ्रेग्रेंस से तकरीबन रोज़ ही ब्लेस करते थे। गुरुजी ने मेरी लाइफ खुशियों से भर दी। मेरा घर, मेरा परिवार पूरा हो गया। मेरी सैड सी बनी हुई लाइफ को उन्होंने हैप्पीनेस से भर दिया। उसके बाद इस साल मार्च में मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उन्हें ब्लड की वॉमिट हो रही थी, कोई भी हॉस्पिटल उन्हें एडमिट नहीं कर रहा था। उनकी हालत को देखकर एट लास्ट एक हॉस्पिटल में उनका एडमिशन हुआ बट पापा की हालत तब तक बहुत वर्स्ट हो चुकी थी, इतनी वर्स्ट कि उन्हें आईसीयू में रखा गया और एक घंटे में ही डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि हम पापा को बचाने की उम्मीद ना लगाएं। उन्हें वेंटिलेटर पर भी डाल दिया गया, सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। संगत जी, इस दुख से मेरा पूरा परिवार टूट गया था बट मेरी मम्मी, बहन और मैंने हिम्मत नहीं हारी और सब गुरु जी पर छोड़ दिया। हम पूरी रात मंत्र जाप करते रहे और अगले दिन डॉक्टर ने बताया कि पापा स्टेबल हैं और ब्लड भी रुक गया है। 4 दिन के बाद पापा को आईसीयू से छुट्टी हो गई और हम उन्हें घर ले आए। पूरा हॉस्पिटल स्टाफ हैरान था कि पापा कैसे ठीक हो गए। जिस हालत में वो आए थे उस हालत में बहुत ही कम लोग ठीक हो पाते हैं, बट हम तो गुरुजी वाले हैं। उन्होंने ना तो हमें कभी हारने दिया और ना कभी हारने देंगे। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत दिया। मेरे बोलने से पहले ही मेरे मन की बात जान लेते हैं वो। रोज़ ही मेरे साथ कोई ना कोई सत्संग होता है। हालांकि मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते बट मुझे उम्मीद है एक दिन वो भी अपना सत्संग शेयर करेंगे।
शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर सांस से शुक्राना। गुरुजी, मेरा हाथ यूं ही पकड़े रखना, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप सब भी अपने विश्वास को और भाव को पक्का रखना और खुद को गुरुजी के आगे सरेंडर कर देना। बस फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब काम अपने आप बनने लगेंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरुजी अपने दरबार बुलाकर कैसे हमारी लाइफ में हैप्पीनेस भर देते हैं। गुरुजी, जिनको भी बेबी नहीं हो रहा होता उनको बेबी ब्लेस कर देते हैं। जो गुरुजी पर अटूट विश्वास रखते हैं उनकी हर अरदासों को पूरा करते हैं। जिसको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है गुरुजी उनको भी ठीक कर देते हैं। हमें बस गुरुजी का मंत्र जाप करना होता है, गुरुजी पर विश्वास करना होता है और थोड़ा सा सब्र रखना होता है। बाकी खुद ब खुद सारे काम बन जाते हैं। हमें अपनी पूरी लाइफ को गुरुजी को ऐसे ही सरेंडर कर देना चाहिए ताकि गुरुजी हमारी लाइफ हमारे से अच्छे से चला सके। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ चलाएंगे तो उम्मीदों के साथ चलाएंगे। अगर हम अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सौंप देंगे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है। गुरुजी जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे, हमारे भले के लिए करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ को गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए, उसके बाद मिरेकल्स देखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।